और जो भी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास आए YMJ और 888, दोनों में एक एक डिस्प्ले बना के दिखाऊंगा। कोई भी मेरा कस्टमर भाई अगर ये कह देते हैं कि ये YMJ में बनी है और ये डिस्प्ले इसमें आपकी लोही 888 में बनी है, तो समीर जी जो कहेंगे वो कर देंगे। बिल्कुल, आज का जो कंपैरिजन है वो इसी चीज का है, मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूँ। एलिमेंट भी आते हैं, दोनों में सेम आते हैं, पंचिंग वाली बात है, दोनों का साइज भी सेम हो जाता है। पंचिंग के अलावा अगर फीचर वाली बात है तो इसके अंदर OCA के लिए अलग दिया गया है, ग्लास के लिए अलग दिया गया है। बिल्कुल समीर जी। उसके अलावा भी अगर गेज वाली बात है तो आपको वैक्यूम गेज ये दिख रहा होगा, ऐसी गेज इसके अंदर आपको सेम दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर फीचर वाली बात है, PLC वाली बात है, तो दोनों के अंदर आपको PLC सेम नजर आती है, बिल्कुल लगभग सेम साइज की होती है। बल्कि अगर फीचर के मामले में अगर मैं बोलूं फीचर के हिसाब से, तो हमारी ये मशीन ऊपर चली जाती है। मेरे भाई मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि हमें मार्केट से बजट के हिसाब से कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो मैंने आपके कमेंट को उठाकर ही ये मैंने आज वीडियो शूट करी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आज का क्या सरप्राइज रहने वाला है आपके लिए, रहने वाला है 888 रहने वाली है एंड YMJ रहने वाली है। आपके मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि सर हमें कौन सी मशीन परचेज कर लेनी चाहिए, क्या YMJ परचेज करें या YMJ के अलावा कोई और ऐसी मशीन भी है जो कि YMJ को टक्कर दे सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही दिखाने वाला हूं, दोनों का कंपैरिजन कि दोनों मशीनों में क्या क्या खूबियां हैं और दोनों मशीनें कितने कितने रुपए में आपको ये मिलने वाली है। और इसके अंदर साथ में मैं ये भी रखूंगा कि वारंटी गारंटी दोनों पे क्या मिलने वाली है, क्या दोनों के अंदर प्लंजर वगैरह सब कुछ सेम होता है या स्विचेस वगैरह सेम होते हैं या PLC वगैरह सेम होती है। तो इसके लिए आरिश जी हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे फुल डिटेल में। और अगर किसी भी भाई को इसके अलावा कोई अदर इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उसी नंबर पे आप ले सकते हैं। तो भाई जैसे कि देख रहे हैं आज हमारे साथ आरिश जी हैं, ये हमें बताने वाले हैं कि कंपैरिजन में कि किस किस में क्या क्या फीचर होते हैं। तो चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आरिश जी, आप बताएंगे कि हमें लोहिया 888 में और YMJ के अंदर क्या क्या फ़र्क होता है। जी समीर जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि लोहिया 888 भी हमारा बहुत ज़्यादा हिट मॉडल है और YMJ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हिट है जी। तो समीर जी मैं बताना चाहूंगा, जिन भाइयों का YMJ का बजट नहीं होता, वो भाई भी तो कुछ ना कुछ लेने आएंगे जी। और एज पर द कंपैरिजन, जैसा कि YMJ हमारी एज बनाती है, ठीक है, चार इसके अंदर प्लंजर होते हैं, ये पिस्टन लगे होते हैं, चार पिस्टनों पर ऑपरेटेड होती है, सेम वैसे ही कंपैरिजन में चार पिस्टनों पर YMJ का बेस मोल्ड डुअल प्रेशर के साथ लोहिया 888 जो आपकी चैनल पे और भी पहले भी वीडियो डाल रखी है और इसकी सारी सेटिंगों से वाकिफ है, यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस से वाकिफ है। इसी के तरह से मैं बताना चाहूंगा कि कस्टमर अपना 25-30 हज़ार रुपए आराम से बचा सकते हैं जिन भाइयों का YMJ का बजट नहीं होता। हालांकि YMJ अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन है, उसी तरीके से पूरी बिल्कुल सेम वही कॉन्फ़िगरेशन में और एक लो बजट की रेंज में वही सेम चीज है। कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है तो फीचर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें मुझे एक बटन दिख रहा है और इसे ऐसे ही देख पा रहा हूँ इसके अंदर मुझे दो बटन। समीर जी, अब फीचर्स की अगर बात करें तो जैसे कि अब यहाँ पे सिंगल प्रेशर है YMJ के अंदर और यहाँ पर आपका आ जाता है डबल प्रेशर। ये आप देख रहे होंगे इसके मशीन के अंदर स्विच ऑफ ऑन ऑफ है। यहाँ पे हमने स्पेशल इसके अंदर डबल प्रेशर रेगुलेटर जो पीछे लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट चाहूंगा कि लेना और उसका वीडियो में दिखाना, ठीक है। पीछे डबल प्रेशर है, प्लस में एक बटन से अगर आप कहते हैं समीर जी कि आरिश जी ये बनाओ एक नॉर्मल डिस्प्ले बनाओ, ठीक है, तो मैं आपके सामने कोई डिस्प्ले चेंज नहीं करूंगा, कोई सेटिंग चेंज नहीं करूंगा, ये बटन मैंने दबाया नॉर्मल बन गई और आप कहेंगे ये लीजिए यही इसी सेटिंग पे आप मुझे एज बना के दिखाइए। यहाँ पे YMJ में इनकी अपनी अलग सेटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, अगर मैं इसकी कोई बात बता रहा हूँ तो इसकी अपनी अलग सेटिंग है, इसकी अपनी अलग सेटिंग है। मगर कुछ कस्टमर तो बेचारे कंफ्यूज होते हैं सेटिंग चेंज करने में, तो उनके लिए ये बहुत बेटर चीज़ है कि उनको सेटिंग चेंज नहीं करनी है। आपने दूसरे रास्ते मुझे एज की दी तो सिर्फ एज के लिए मुझे ये स्विच प्रेस करना है और नॉर्मल के लिए मुझे ये स्विच प्रेस करना है। हालांकि YMJ में आपको जो YMJ चलाना जानते हैं, जो भाई YMJ से वाकिफ हैं, वो YMJ का प्रेशर सेट करना पड़ता है, थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, और जैसे ही मैं ये देख पा रहा हूँ इसके ऊपर दोनों के साथ बेस मोल्ड रखे हुए हैं और उसके साथ कुछ रबड़ भी और एक प्लेट एक्स्ट्रा दिख रही है। जी समीर जी, YMJ के साथ आपको सेपरेटली पैड परचेस करना पड़ता है, जबकि लोहिया 888 के साथ ये पैड मिलेगा आपको, ये पूरी 8 इंच की आईपैड मिनी के लिए, जो आईपैड मिनी तक आप प्रेसिंग कर सकते हैं, ये प्लेट मिलेगी और YMJ का ही एच के लिए बेस मोल्ड मिलेगा, ठीक है।
तो ये दोनों मशीन 8 इंची प्रेस करती है या पंचिंग उससे ज्यादा भी कर सकती है? बिल्कुल समीर जी, दोनों ही मशीन आईपैड मिनी 7.9 इंच आईपैड मिनी, और क्योंकि 7 इंच से ऊपर आज तक कोई मोबाइल बना नहीं है, टेक्नो के भी जो मॉडल है वो 7 इंच तक है, तो 8 इंच तक के कोई भी आईपैड मिनी तक दोनों ही मशीनें प्रेस कर सकती हैं। तो ये दोनों मशीन एलिमेंट सपोर्ट करती हैं या किसी एक मशीन के अंदर है? समीर जी, दोनों ही मशीनों में आपको मेरा कहने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स को भी और आपको भी ये दिख रहा होगा साइड लाइव, बिल्कुल ये आपके सामने दोनों के अंदर एलिमेंट रखे हैं और दो दो एलिमेंट है। आज का जो कंपैरिजन है वो इसी चीज का है, मैं आपको डिटेलिंग में बता देता हूँ। एलिमेंट भी आते हैं दोनों में सेम आते हैं, पंचिंग वाली बात है दोनों का साइज भी सेम हो जाता है। पंचिंग के अलावा अगर फीचर वाली बात है तो इसके अंदर ओसीए के लिए अलग दिया गया है और ग्लास के लिए अलग दिया गया है। बिल्कुल समीर जी। उसके अलावा भी अगर गेज वाली बात है तो आपको वैक्यूम गेज ये दिख रहा होगा, ऐसी गेज इसके अंदर आपको सेम दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर फीचर वाली बात है, पीएलसी वाली बात है, तो दोनों के अंदर आपको पीएलसी सेम नजर आती है, बिल्कुल लगभग सेम साइज की होती है। बल्कि अगर फीचर के मामले में अगर मैं बोलूं फीचर के हिसाब से, तो हमारी ये मशीन ऊपर चली जाती है। जो आप मेरे भाई मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि हमें मार्केट से बजट के हिसाब से कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो मैंने आपके कमेंट को उठाकर ही ये मैंने आज वीडियो शूट करी, क्योंकि काफ़ी भाइयों का सपना होता है, काफ़ी भाई का, हर कोई, मैं खुद होऊंगा तो मैं खुद चाहूँगा कि मैं YMJ ले लूँ, मगर अगर मेरे पास YMJ का बजट नहीं है और मैं दूर हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो मैं 888 के अगर बारे में बताता हूँ तो 888 नो डाउट बहुत अच्छी मशीन है, क्योंकि अगर फीचर की बात करें या साइज की बात करें या इसके अलावा अगर वारंटी गारंटी की बात करें तो वो आपको सारी जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी जैसे आरिश जी ने अभी काफ़ी सारी अच्छी हमें जानकारी दी, चलिए वैक्यूम पंप वगैरह पूछ लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन सा मिलने वाला है। तो सर इनके साथ जो एयर कंप्रेसर एंड वैक्यूम पंप होता है वो कौन सा मिलने वाला? जी बिल्कुल समीर जी, जैसे कि YMJ है वो 4C 4 लीटर के वैक्यूम पंप के साथ आती है। वैक्यूम सर जी ऐसा नहीं है कि 2 लीटर वाली मशीन के साथ हम 4 लीटर का लगा दें, 4 लीटर वाली के साथ 3 लीटर का लगा दें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि ये चैम्बर 4 लीटर का सपोर्ट करता है और ये चैम्बर 3 लीटर का सपोर्ट करता है। हालांकि अगर ये जो ये हमारी 45 सेकंड के अंदर अंदर प्रेस कर देती है और ये आपकी 42 सेकंड के अंदर, वो 3 सेकंड का जो फर्क है वो वैक्यूम पंप की वजह से। आप अगर इसके बजाय इस मशीन के साथ 4 लीटर का पंप जोड़ देंगे, सेम एज पर द कंपैरिजन, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। और जो भी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास आए YMJ और 888, दोनों में एक एक डिस्प्ले बना के दिखाऊंगा। कोई भी मेरा कस्टमर भाई अगर ये कह देते हैं कि ये YMJ में बनी है और ये डिस्प्ले इसमें आपकी लोहिया 888 में बनी है, तो समीर जी जो कहेंगे वो कर देंगे। बिल्कुल। और एयर कंप्रेसर कौन सा मिलता है? एयर कंप्रेसर सर पूरी मार्केट में फेमस है, हमारे पास 100% ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग का 30 लीटर 30 लीटर 550 वाट, ये इंडियन कंप्रेसर कोई नहीं रखते हम, और वैल्यू का ओरिजिनल वैक्यूम पंप 2C 3C और 4C। और इन दोनों के साथ बबल रिमूवर अलग होता है या एक ही मिलता है दोनों के? नहीं नहीं सर, बिल्कुल दोनों के साथ सेम कंप्रेसर और बबल रिमूवर हमारी हर मशीन के साथ आपको सेम मिलेगा, चाहे वो कोई भी मशीन हो, चाहे YMJ लेना चाहे, चाहे 888 लेना चाहे या 777 लेना चाहे। तो गाइज अगर छोटी सी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इसके साथ आपको वैक्यूम पंप सेम मिलने वाला है, वैल्यू कंपनी का एयर कंप्रेसर आउटस्टैंडिंग का मिलने वाला है, वो भी सेम रहने वाला है। बबल रिमूवर वाली बात है वो भी सेम मिलने वाला है, आप चाहे ये मशीन ले या ये ले, या इसके अलावा अदर कोई अगर 777 जो शुरुआत होती है मशीन की वो भी लेना चाहते हैं, उसके अंदर भी वही वाला आपको बबल रिमूवर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कोई इंक्वायरी अगर छूट गई हो या आपको चाहते हैं कि इन दोनों के ऊपर कोई डेमो दिया जाए, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए जैसे ये मैंने कंपैरिजन बनाया उसी तरह से मैं आपको LCD करके भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।